हिंदी और इंग्लिश। करेंगे लेकिन उससे पहले मैंने देखा की काफी करीबी जो लोग हैं आप लोगों के उन्होंने ये फिल्म देख है सनी सुपर साउंड जी तो अगर कुछ कुछ बताना चाहिए क्या मिल रहा है आपके जो दोस्तों का हम लोग चाहते थे, थे कि हमने फोकस ग्रुप स्ट्रीनिंग्स तो की ही पहले जब फिल्म एडिट हो रही थी लेकिन हम चाहते थे, थे, थे कि क्योंकि अब थिएटर का ऐसा एक बिजनेस का ऐसा सिस्टम चल रहा है जहां सब कुछ बदल रहा है तो वो जो एक महीने का कैंपेन होता था मुझे नहीं लगता है अब वो सस्टेनेबिलिटी इन साइज की फिल्मों के लिए पॉसिबल है तो बहुत ही थॉट आउट ऑप्शन था कि हम ट्रेलर फिल्म आने से 10 या 11 दिन पहले गिराएं क्योंकि उसका एक जो रेंज मिलता है और और हम कॉन्फिडेंट थे कि हमारा ट्रेलर अच्छा है ऑल्सो कलकत्ता में प्रीमियर हुई कलकत्ता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इक्कीस दिसंबर को न्यूयॉर्क में प्रीमियर हुआ इंटरनेशनल प्रीमियर 28 दिसंबर को एच साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में तो एक उत्सुकता फिल्म में बढ़ गई लोगों को लोगों के जहन में भी तो हम चाहते थे कि हमारे दोस्त जो इंडस्ट्री के लोग हैं hmm. उनको पहले दिखाएं। सिर्फ उनको ही नहीं कल मिलिंद सोमन के पिंकथॉन के एथलीट्स ने फिल्म देखी पचास लोगों ने और अभी तक जो तकरीबन सौ एक सौ बीस लोगों ने फिल्म देखी है उन्होंने यूनानमसली पसंद की है yeah. टचवुड उन सबको देखिए दुनिया में एक एनिमल लवर विजलांटे के लिए फिल्म बनी ही नहीं है सो एज अ थाट एज अ कॉन्सेप्ट ये एक बहुत ही ओरिजिनल विचार है और हम कुछ प्रीच नहीं करना चाहते थे इसीलिए हमने एक्शन फिल्म बनाई है क्योंकि और एक्शन भी ऐसा है जो मैं दिल्ली में बोल रहा था इंटरव्यूज़ में घुसंडबाजी है तो आ, वो स्टाइलाइज हाई स्पीड कोई उड़ नहीं रहा कोई आ, धूल उड़ नहीं रहे हाई स्पीड में मैं चलूँगा तो ज़मीन पर धूल नहीं उड़ेगा वैसा कुछ नहीं है एक लड़का है साधारण सा फिल्म एक बहुत साधारण लड़के के बारे में है और हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरे जैसा साधारण लड़का और अर्जुन बख्शी जो मेरा किरदार है वो बहुत ही साधारण है अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं बस आपके विचार साफ होने चाहिए और ये जो थॉट है फिल्म का जानवरों के प्रति ये अभी तक सभी स्क्रीनिंग्स में सबको भाया है हाँ और हमारे जो जिन दोस्तों ने इंडस्ट्री के दोस्तों ने आ, हमारे करीबी दोस्तों ने जिनको जिन्होंने हमारा सफ़र देखा है हम दोनों का सफ़र देखा है उन्होंने भी ये कहा है कि ऐसी कोई चीज़ उन्होंने अभी तक नहीं देखी आ, बहुत सारे एक्शन फिल्म्स बने हैं बहुत सारे एनिमल्स के ऊपर तो फिल्म बने ही नहीं है बहुत कम है जो भी आ, है ये रिवेंज तेरी मेहरबानियाँ टाइप बने हैं तो ये वो नहीं है यहाँ पे एनिमल्स हमारे लिए फाइट नहीं कर रहे हम उनके लिए कर रहे हैं तो इसलिए ये जो कॉन्सेपच्चुअुअलाइजली ये एक ये एक यूनिक फिल्म है तो हमारे जिन दोस्तों ने देखा है उनको ये बात उन्होंने ये बात बहुत मतलब बहुत अच्छी तरीके से उनको वो ये बात बहुत अच्छा लगा उन्हें और तो इसी वजह से उनको ये फिल्म बहुत अच्छा लगा उन्होंने इसकी एक्शंस की इसकी ट्रेनिंग की काफी तारीफ की रिद्धि की काफ़ी तारीफ की परेश की परेशान और हमारे सिर्फ दोस्तों ने फिल्म नहीं देखी है हाँ। क्योंकि हम खुद खुश नहीं होना चाहते हैं तो हमने बोला आप अपने माता पिता को लाइए हाँ। जैसे मिलिंद की स्क्रीनिंग में बहुत लोग आए जो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है जो हमारे दोस्त यार नहीं है जिनको मैं नहीं जानता कोई नहीं जान हमें से कोई नहीं जानता तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका रिएक्शन देखें क्योंकि फ़िल्म यार इंडस्ट्री वाले तो तब भी सपोर्टिव होते हैं लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं जिनको फिल्म के बारे में कुछ पता नहीं है और जो जुड़े हुए नहीं हैं उनको फिल्म पसंद आ रही है जैसे मिलिन सोमन की मम्मी जो कि एट्टी प्लस जिनकी एज है उन्होंने कल बहुत खूबसूरत चीज़ मुझसे कही कि आ, बहुत ही हार्ट वाली फिल्म है और बहुत एंटरटेनिंग है उन्होंने कहा बहुत मज़ा आया तो अगर और कलकत्ता में भी यही हुआ था कि जो

ये फिल्म ना यूनिक अलग से ज़्यादा एक बहुत ही बेसिक विचार के बारे में है जो धीरे धीरे दुनिया से ख़त्म होता जा रहा है इंडी कुत्ते देसी कुत्ते जो हमारे हैं हमारा फ़र्ज बनता है उनको प्रोटेक्ट करना उनको अडॉप्ट करना अभी ये फैट चला है अडॉप्ट डोंट शॉप लेकिन अडॉप्ट डोंट शॉप सिर्फ ब्रीड्स को लेके मत करिए आप अडॉप्ट करिए हिंदुस्तानी देसी कुत्तों को जो सड़क पे हैं क्योंकि उनको घरों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और अगर अडॉप्ट नहीं कर सकते तो एक छोटा सा हफ्ते में दो दिन रोज़ रात को कंसिस्टेंटली खाना खिला दीजिए मतलब आपको मैं समझता हूँ सब घर में नहीं ला सकते आ, इंजर मत करिए अगर आप किसी को देखें कि कोई डंडे से मार रहा है जहाँ से ये कहानी मेरे लिए शुरू हुई थी मैंने किसी को देखा था एक सिक्योरिटी वाले को डंडे से मारते हुए जुहू में एक कुत्ते को तो उसको रोकिए उसको समझाइए कि अगर यू you नो know, आपको कोई मारेगा ऐसे तो कैसा लगेगा अर्जुन बख्शी वही आवाज़ है कि जो वॉइसलेस है उनकी आवाज़ बन रहा है और अगर ऐसा मेरा मानना है कि अगर आप किसी चीज़ को जीवित चीज़ को हार्म पहुंचाएंगे तो किसी ना किसी माध्यम से आप तक वो हार्म वापस आएगा फिल्म में अर्जुन बख्शी वो आवाज़ है कि इफ़ यू हार्म अ डॉग

ये चीज़ हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमारे जो करीबी लोग उन लोगों ने देख के ये तारीफ की ये चीज़ और करीबी लोग छोड़िए ऑनेस्टली आई डोंट रियली वांट टू फोकस ऑन देम मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था उनके साथ जो आए क्योंकि दोस्त यार तो सब हैं ठीक है लेकिन उनके साथ जो उनके घर वाले आए जिनको हाँ। हम जानते नहीं हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए क्योंकि आ, मिलिंद के जो कल लोग आए जो फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो हमारी जनता है मैं एज अ कंपनी हम लोग जो फिल्म बना रहे हैं वो ऑडियंस के लिए बना रहे हैं hmm. इसीलिए विक्टर ने जो बोला कि कैमरा वर्क जोमार्क सेल्वा फ्रांस के सबसे दिग्गज डीओपी हैं उन्होंने फिल्म शूट की है सिमो फ्रांसक्वेट जो बेल्जियम के सबसे बड़े कंपोज़र हैं अभी बहुत यंग है लेकिन उन्होंने सारे अवार्ड्स यूरोप में जीत लिए हैं उनका बहुत नाम है और केचा कम्फगडे जिन्होंने एक्शन डिज़ाइन किया जिन्होंने ओंगबाग जैसी फिल्में है की हैं तो ये लोग एक इंटरनेशनली रिनाउंड

चीज़ ज़रूरी एक एक्टर के लिए होता है और ये सिर्फ मेरा मानना है जो मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया है चाहे वो बैरी जॉन हुए रामनाथ थरवाल हुए संजना कपूर हुए अतुल कुमार हुए थिएटर पे जो मुझे सिखाया गया है कि एक्टर का प्राइम मोटो होना चाहिए ऑडियंस को एंटरटेन करना और अपने अंदरूनी प्रोसेस को डेवलप करते रहना तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि एक गे किरदार प्ले करने के बाद हम भी अकेले में जरीन के साथ जो आखिरी फिल्म थी मेरी कि मैं एक ऐसी फिल्म करूं जो मुझे दूसरे एक्सट्रीम पे ले जाए फिज़िकली तो मैं आउटसाइड इन आया हूँ इस पिक्चर में मैंने फिज़िकली अपने आप को पुश किया है और आ, मैंने रियलाइज़ किया इस फिल्म के दौरान कि मेरी बॉडी क्या क्या कर सकती है तो वो शुरू हुआ पारकौर के साथ किश्ले कुमार जिन्होंने मुझे पारकौर में ट्रेन किया कोर स्ट्रेंथ के लिए फिर आए हम विकी अरोरा पे जो बॉम्बे में जिन्होंने स्टंट्स भी डिज़ाइन किए हैं उन्होंने क्राफमागा में, में मेरी ट्रेनिंग शुरू की फिर मैं गया न्यूयॉर्क शाही सिमेश जिन्होंने एवेंजर्स की कास्ट को ट्रेन किया है उनके साथ मैंने ट्रेन किया पारकोर क्राफमागा एंड क्राफ्टमागा इज एन इसराइली मार्शल आर्ट्स फॉर्म तो इट्स अ हैंड टू हैंड कॉम्बैट विच इज़ फॉर डिफेंस बट इट्स मोस्टली फॉर किल मोसाद यूज़ करता है ऐसी जगहों में वो जाते हैं जहाँ वो वेपन्स नहीं ले जा सकते इसीलिए बहुत फास्ट गेम होता है इंसानी शरीर को कैसे तोड़ना है जल्दी उसको लेके मार्शल आर्ट से और रास्ते में हाथी वेपन है करेक्ट तो हम चाहते थे कि ऐसा एक्शन हो जो और सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट जो हमें अभी तक मिला है वो इसको लेके है कि लोगों को एक्शन सीन्स देख के चोट लग रही है वो कह रहे तो हैं है, तो आप फील करते हो अरे आपको भी लगता है तो ये चीज और मैंने पिक्चर 50 बार देखी है टाइम भी मुझे वो फील हो रहा है तो बट, वो सबसे बड़ी बात और वही एजेंडा था इस पिक्चर को बनाने का शुरू से कि हम ऐसा कुछ ना करें जो हो चुका है कोशिश करें और फेल करें तो ठीक है लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस हमने कोशिश की है एंड अभी तक जिन्होंने फिल्म देखी उनको पसंद आई है ट्रेलर पसंद आया है ट्रेलर में हमने सिर्फ इसीलिए ग्लिम्स दिया है हम हम आ, आप फिल्म में आएंगे स्पेशली सेकेंड हाफ में तो सेट पीसेस हैं एक के बाद एक लेकिन एक्शन इज वेरी रॉ वेरी ग्रिटी बहुत स्ट्रीट फाइल फाइट स्टाइल जैसे कुरियन फिल्म इंडोनेशियन फिल्म थाई फिल्म वैसे जैसे होता है और, और ये मैं आ... Lee, मेरे, Bruce... मेरे बहुत बड़े आइडल हैं तो इनके लिए इट्स लाइक अ ट्रिब्यूट टू हिम मैं अंशुमान के दाद देना चाहूँगा इस इस फिल्म में इन्होंने जितना मार खाया है ना किसी ने नहीं खाया क्योंकि हमारे पास तो इस फिल्म में डेब्यू कर रही है एक सिक्किमीज कॉप है एक शाह क्यूरेंग तो वो एक रियल लाइफ मार्शल आर्टिस्ट है तो उन्होंने उनका वो वीडियो बहुत ही हो जी जी, हाँ। जी 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 तो वो उनको हम लोगों ने कास्ट किया और हमारे जो राइटर है आलोक उन्होंने उसको ढूंढ के हमारे पास भेजा और हमने उसको कास्ट किया उनको ऑडिशन किया yeah, बकायदा उनका ऑडिशन बहुत अच्छा था और लड़कियों ने भी ऑडिशन किया लेकिन एक एक मिक्सड मार्शल आर्टिस्ट है हाँ। और किक बॉक्सर तो वो ढल गई हाँ। इस फिल्म के स्कीम में <laughs> और द सबसे जो हमारे शूटिंग में भी प्रॉब्लम हो रहा था कि वो एक्चुअल मार्शल आर्टिस्ट है तो उनको अपना मार्शल आर्ट कंट्रोल करना नहीं आता था तो इसने इतना खाया बॉडी पे सर पे सर तो फट गया था इसका एक किक खा के। आ, एक क्योंकि होती है एक्टिंग और फिर होती है एक्टिंग राइट <laughs> तो तो इक्षा क्योंकि रॉ ट्रेनड एक्टर नहीं है तो उनको रुकना नहीं आता वो एक बार शुरू करती है तो आप फिर उनको और उनकी ये हड्डी निकली हुई है बहुत अजीब तरीके से उनकी ये वाली रिस्ट की हड्डी ना ऐसे बाहर है <laughs> तो जब आप उनको रोक रहे हो ना तो वो हड्डी आपको बार बार हिट करती है और वो पत्थर की तरह है उनका हड्डी है और बहुत चोट लगती है वो और, मार मार के यूज <laughs> और क्योंकि वो उनको मतलब शी इज़ नॉट अ ट्रेंड एक्टर ना तो उनके साथ बहुत और हमने क्योंकि विजलांटे के बारे में है ये एक <laughs> दुनिया की प्रॉबेबली पहली फिल्म है जो एक एनिमल लवर विजलांटे के बारे में है बैटमैन सुपरमैन ये सब लोग इंसानों के लिए विजलांटे हैं लेकिन अर्जुन बख्शी एक डॉग लवर लविंटे एनिमल लवर विजलांटे है तो सारे सीन्स रात में होते थे एक्शन क्योंकि विजलांटम है और रात में एक्शन करना यू हैव टू बी वायर्ड एंड क्योंकि बॉडी डबल्स नहीं है क्योंकि कोई वायर वर्क नहीं है कुछ आप नहीं है। आप खुद अगर ऑन नहीं हो तो खा जाओगे खा जाओगे और एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ जहाँ मैं तो ऑन था लेकिन वो मुझसे ज्यादा ऑन थी <laughs> तो उन्होंने और जोर से लात मारी और उन्होंने एक बूट पहना था जो बहुत तेज लगा तो यहाँ एक

वो एक्सप्रेशन मिलना वो एनिमल्स के साथ शूट करना थोड़ा डिफिकल्ट है बहुत ही प्यार से बहुत ही संभाल के उनके साथ शूट करना पड़ता है क्योंकि वो तो कैमरा उनको तो पता नहीं है कि वो लोग क्या कर रहे हैं बट इस फिल्म में थैंकफुली हमारे एनिमल कोऑर्डिनेटर्स भी बहुत अच्छे थे और ये बिकॉज ही इज़ अ डॉग लवर इसने बहुत प्यार से हैंडल किया हमारे रिद्धि पर परेश का तो उतना सीन नहीं है बट ये और रिद्धि इन लोगों ने जो कुत्तों के साथ डील किया वो बहुत प्यार से डील किया तो आप उनको प्यार देंगे तो वो भी उनको आपस में वापसी में प्यार देंगे तो इसलिए मेरे लिए वो शूट करना काफी ईजी हो गया था कि वो एक एक एक्शन रिएक्शन जो होता है ना डॉग तो रिएक्ट कर रहे थे mm. तो आई थिंक इससे पहले शायद उतना टाइम या उतना प्यार किसी ने शायद नहीं दिया होगा जिसके वजह से वो बनी नहीं होगा वो हम नहीं कह सकते क्यों नहीं बनी पर हमने इसलिए बनाया क्योंकि हम सब एनिमल लवर्स हैं हम उनसे बहुत ज्यादा बेहद प्यार करते हैं फिल्म में हर इंसान और ये हैंड पिक किया है ऐसे ही लोग हैं जो जानवरों के प्रति जिनके दिल में बहुत सच में प्रेम है सिर्फ फिल्म में बोलने के लिए प्रेम हाँ। नहीं है या इंस्टाग्राम पे फोटो लगाने के लिए प्रेम नहीं है जेन्यून एनिमल लवर्स हैं मेरे जैसे खुद दो इंडी अडोप्टिड कुत्ते हैं मेरे पास एक साढ़े नौ साल का है एक एक साल की हो गई है अब तो हम लोग जो बोल रहे हैं वो वी आर नॉट जस्ट प्रीचिंग हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एक्शन में हम, हम और हम चाहते हैं ये फिल्म देख के लोग प्रैक्टिस करें इंडी डॉग्स को लेके कि उनको आ, आ, उनका ध्यान रखें उनको अडॉप्ट करें उनकी मदद करें और सिर्फ अडॉप्ट ना करें फॉस्टरिंग भी कर लें आप दस दिन के लिए रख लो एक हफ्ते के लिए रख लो वर्ल्ड फॉर ऑल हमारे बहुत ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स हैं जैसे एनजी ओज वर्ल्ड फॉर ऑल हो गया योडा हो गया माई इंडी बेबीज़ ये सब भी यही कहते हैं बॉम्बे बेस्ड डेली बेस्ड बैंगलोर बेस्ड कि आप ट्राई करिए एक हफ्ते के लिए कुत्ते को घर ले जाइए और शायद उतना प्यार आपको नहीं मिलेगा इंसान से भी नहीं मिलेगा डेफिनेटली नहीं मिलेगा इंसान से तो आज की दुनिया में और सबसे ज़रूरी चीज़ जो थी आ, आपके सवाल के जवाब में कि तीन चीज़ें होती है सिनेमा में जिनके साथ शूटिंग करना बहुत मुश्किल होता है पानी बच्चे और जानवर इन तीनों के साथ शूटिंग टाइम हमेशा बढ़ जाता है तो प्रॉब्बली ये एक वजह है कि लोग ऑल्सो परमिशंस हमने सारे प्री परमिशंस लिए शूट परमिशंस लिए जो मेरा कुत्ता है इस फिल्म में कर्नल उसका असली नाम बाजीराव है उसके साथ मैंने शूट से पहले टाइम बिताया जिससे हमारी एक जुगलबंदी हो जाए जिससे वो भी कंफर्टेबल हो मैं भी कंफर्टेबल हूँ हाँ, हम उसको लेके कोलकाता भी गए हैं उसके प्रॉपर हमने उसके ध्यान रखा, ध्यान है, ध्यान है, रखा। उसका है सो हमें हमने, सो सब हमने का काफ़ी उनके साथ ट्रेनिंग किया है उसके साथ टाइम बिताए सो इसी वजह से ये हमारे लिए काफ़ी इजी हो गया और बाजीराव को आप जब देखेंगे बाजीराव स्टार है

देखिए मैं बहुत ही, ही रियलिस्टिकारी मैं, मैं नहीं करता मुझे फिल्म में बहुत पसंद है और मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ मैंने एक इको सिस्टम बना लिया है अपने लिए जहाँ मैं उन कहानियों का हिस्सा बन सकूँ जो मुझे दिल से बनानी हो देखिए मैं बहुत रियलिस्टिक भी हूँ मुझे पता है मेरे एज ग्रुप में हिंदुस्तान में छः सात एक्टर्स हैं जो जिनका नाम मुझसे पहले लिया जाएगा मैं एक्टर्स की बात कर रहा हूँ नॉन एक्टर्स की बात नहीं कर रहा uh, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअली अच्छे अभिनेता हैं और मुझे पता है मेरे आगे छः सात लोग हैं जो जिन पे जिनको स्क्रिप्ट्स मुझसे पहले मिलेंगी वो स्क्रिप्ट्स जिनमें शायद मैं फ़िट हूँ तो अब मेरे पास दो रास्ते बचते हैं कि या तो मैं बैठा रहूँ और वेट करता रहूँ जो कि मेरी आदत नहीं है तो मुझे पता है मैं 21 साल से हूँ अब यहाँ मैं असिस्ट करना शुरू किया 2002 में तो मुझे फिल्में बनाना आता है और मुझे फिल्में बनाने में बहुत मजा आता है और मुझे ऐसा लगता है जिस एफिशिएंसी से मैं फ़िल्म बना सकता हूँ मैंने नहीं देखा है वो आ, और मैं चाहता हूँ कि मैं किसी से एक्चुअली मुलूँ जो उस इंटेंसिटी से काम करे मैं बहुत काम करता हूँ बहुत मेहनत करता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है मुझे फिल्म सेट में आप स्पॉट बॉय का काम भी देंगे तो मुझे बहुत मज़ा आएगा क्योंकि मुझे फ़िल्म सेट की खुशबू पसंद है तो Uh, मैंने एक ऐसा इको इसलिए बनाया है जिससे मैं उन कहानियों का हिस्सा बन सकूँ जो जब मैं आज से तीस साल बाद पीछे देखूँ तो मुझे लगे कि मैंने कुछ ओरिजिनल काम किया है मुझे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा नहीं बनना वो बहुत कॉन्शियस डिसीजन भी है जो लोग मुझे दिल से जो अच्छा काम करना चाहते हैं मुझे उन लोगों के साथ काम करना है और जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं फिल्में तो मैं वो कंट्रोल कर सकता हूँ कि जो फिल्म लवर्स हैं जो जेन्यूनली फिल्म फिल्म के लिए बना रहे हैं और देखिए एक बात समझिए हम लोग सब मर जाएंगे करेक्ट मे गॉड गिव एवरीबडी लाइफ बट ये फैक्ट है yeah. कि हमारा एक टाइम है राइट right? अब ये फिल्में नहीं मरेंगी ना ये फिल्में तो किसी के किसी प्लेटफॉर्म पे किसी के डीवीडी शेल्फ पे किसी के हार्ड ड्राइव में, में। सौ साल बाद भी रहेंगी तो मेरा सिर्फ ये थॉट है कि आज से सौ साल बाद भी कोई लकड़बग्गा उठाए और बोले यार फर्स्ट डे फिल्म्स ने ओरिजिनल काम किया इंडिपेंडेंटली किया लेकिन ओरिजिनल किया uh, हम भी अकेले तुम भी अकेले एक एल फिल्म पॉजिटिव फिल्म थी वो डार्क इंटेंस बोरिंग फिल्म नहीं थी तो वो थाट है लेकिन मैं सिर्फ एक्टिंग अपनी फिल्मों में नहीं करूंगा क्योंकि अब जैसे हमारी अगली फिल्म है लॉर्ड कर्जन की हवेली उसमें मैं नहीं हूँ उसमें अर्जुन माथुर रसिका दुग्गल जुआ रहमान माविल में जो स्पाइडरमैन में थी वो हैं परेश भी है परेश पहूजा तन्मय धनिया बहुत ही दिग्गज कलाकार सबके सब सो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा माहौल बनाए जहां जो लोग डिज़र्विंग हैं उनको मौका मिले और वो मैं इस साल करूंगा मैं एक नए लड़के और या लड़की को भी लॉन्च करूंगा एज अ कंपनी ये हमारा थॉट है जो थिएटर से आया हो जिस जो एक्टर हो जिसको सिर्फ अच्छा दिखने या इंस्टाग्राम फॉलोइंग का शौक़ ना हो जो एक्चुअली क्राफ्ट के प्रति काम कर रहा है और जिसकी लाइफ हो और मिस्टर बच्चन ने मुझे ये एक बात बोली थी एक बार मैंने उनके साथ शूट किया था और ये मैं हमेशा याद रखता हूँ कि लॉन्ग रन में ना सब बराबर हो जाता है तो मेरा गेम यह है कि मैं अगर ज़िंदा रहा तो मैं कहीं नहीं जाने वाला आप मुझे सत्तर अस्सी साल की उम्र में भी फिल्म बनाते हुए देखेंगे और मैं सोलह साल की उम्र से फिल्म बना रहा हूँ तो जो ये सब लोग हैं मेरे इर्द गिर्द या मेरे कंटेम्प्रेरीज़ है ना वो 2002 में काम कर रहे थे जैसे मैं कर रहा हूँ और अगर मैं जिंदा रहा तो मैं प्रटी शोर हूँ कि उनमें से बहुत कम लोग उस एंड अदर एंड में मेरे साथ काम कर रहे होंगे तो आ, मैं कंपैरिजन में तो बिलीव ही नहीं करता आप सेब और आम को कंपेयर नहीं कर सकते आप नीम के पेड़ और एलोवेरा के पेड़ को कंपेयर नहीं कर सकते और ये बहुत गलत है मेरा ऐसा मानना है कम्पेरिजन जी हाँ आप एक्टर और नॉन एक्टर को कंपेयर करिए क्योंकि वो ज़रूरी है आप अगर एक अंधे ड्राइवर के टैक्सी में नहीं बैठेंगे क्या आप बैठेंगे अगर एक ड्राइवर अंधा हो नहीं बैठेंगे तो मुझे लगता है आपको आप हम एज फिल्म मेकर्स हमें ऑडियंस को नॉन एक्टर्स नहीं परोसने चाहिए बिकॉज इट्स बैड फॉर द इंडस्ट्री इट्स बैड फॉर द बिजनेस सबसे ज़रूरी चीज़ है क्योंकि फिल्म का बिजनेस कम हो जाता है क्योंकि ऑडियंस बिलीव नहीं करती है आपके परफॉर्मेंस में और आप कहानी एक्टर्स के थ्रू बोल रहे हो तो हम ये कोशिश कर रहे हैं एज अ कंपनी कि अच्छे कलाकारों के साथ काम करें जैसे इस फिल्म में परेश पहूजा हैं कमाल के एक्टर हैं मेरे हिसाब से जितने लोगों के साथ मैंने काम किया है वन ऑफ द टॉप एक्टर्स आई हैव वर्क और परेश ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके काम किया परेश ने अब तक सिर्फ रोमांटिक सॉफ्ट लाइट हार्टेड रोल्स किए इस फिल्म में वो एंटी हीरो का रोल कर रहे हैं जहां पे उनको ऐसी चीजें करनी पड़े जो वो लाइफ में कभी सोचे भी नहीं कि सब के एक सीन आप ट्रेलर में देखे होंगे जहां पे उसको मीट काटना पड़ रहा है उसने लाइफ में मीट छुआ नहीं आज तक वो चाकू नहीं उठाया आज तक तो उससे हो नहीं रहा था पर उसने वो डटा रहा किया वो कि मैं करूंगा पांच टेक दे दे विक्टर बट मैं करूंगा और उसने किया उस और एक चीज़ समझिए हम प्रोसेस पे फोकस करते हैं तो हम वर्कशॉप्स बहुत करते हैं हाँ। शूट से पहले बहुत कम लोग करते हैं और बहुत कम लोग सही करते हैं देखिए एक होता है काम और एक होता है अच्छा काम और दोनों का जो फासला है वो बहुत बड़ा है आ, जो अच्छा काम होता है उसमें जेन्यून शिद्दत और प्रोसेस इन्वॉल्व होता है और सारे एक्टर्स ने रिद्धि ने जिनका डेब्यू फीचर फिल्म डेब्यू है ये परेश ने मिलिन ने सब ने बहुत समय दिया है शूट से पहले जिसकी वजह से शूट पे आपको उनका क्राफ्ट नजर आएगा कुछ भी ऐसे ही नहीं है इस फिल्म में को ये एक बात बोलता है जो मैं दोहराना चाहता हूँ कि जंगल में सबके लिए जगह है कुत्ते हैं, या लकड़ है सबके लिए जगह है सब हम हम, हम चाहते हैं वो फिल्म चले ताकि बिजनेस बढ़े इंडस्ट्री में जितना लोग थिएटर में जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है ताकि हमें और फिल्म बनाने का मौका मिले तो कुत्ते भी चलने चाहिए लकड़बग्घा भी चलनी चाहिए कोई और फिल्म रिलीज हो रही है वो भी चलनी चाहिए सब चलनी चाहिए लोगों को ओपन माइंड के साथ देखनी चाहिए देख के डिसाइड करनी चाहिए कि ये बेटर कैसा है बेटर भी नहीं हाँ ये देखना है नहीं देखना है इस इसके काम आगे देखना है नहीं देखना है कुत्ते में हमारे काफ़ी दोस्त हैं हम वो वो लोग भी हमें दोस्त मानते तो सब इंडस्ट्री एक मतलब फैमिली ही तो है तो हम फैमिली को सपोर्ट करेंगे हम सब जाएंगे कुत्ते देखने आई एम होपिंग कि वो लोग भी और, आके हमारा फिल्म देखें उस दिन कुत्ते की कास्ट से शार्दुल जो फिल्म में लीड है, है वो उन्होंने फिल्म देखी हमारी फिल्म आके देखी परसों और हम भी देखेंगे जाके कुत्ते तो हमारा देखिए उस फिल्म में दिग्गज कलाकार हैं तब्बू कुमुद मिश्रा मतलब ऐसे एक्टर्स जिनकी आप इज्जत करते हैं एक्टर्स नसीर साहब शार्दुल कितना बढ़िया एक्टर है शार्दुल सो so, ये लोग एक्टर्स हैं जिनकी आप इज्जत करते हैं तो हम चाहते हैं कि जो ज़्यादा काम कर रहे हैं आ, अच्छे एक्टर्स के साथ एंड ऑफ कोर्स विशाल जी विशाल जी इज़ अ लेजेंड आसमान की पहली फिल्म है आई ओनली विश एम द बेस्ट एंड आई होप कि वो और ऐसे अच्छे एक्टर्स के साथ जैसे तब्बू हैं नसीर साहब हैं इन लोगों के साथ और फिल्में आएँ बिकॉज उससे कहानियाँ रिच होती हैं हमारा फिल्म हिस्ट्री जो होगा वो रिच होता रहेगा सो मच थैंक यू सो मच हमें भी बहुत अच्छा लगा थैंक यू